Dear students, good morning. Our unit number 2, forms of business organization we are doing. And today we have to do 2.3 joint Hindu Joint Hindu Family Business, JHF. Yes, beta, it is our third topic, 2.3. And meaning of this Joint Hindu Family Business, beta, it refers to that form of organization under which the members of joint Hindu family carry a business under the control of the mukhiya or karta. So, beta, dhyan rakhna hai hamein. Yani ki it is that type of business in which all the members of this family participate under the head of a karta or mukhiya. Beta, one important person is there, karta or mukhiya. यानी उसे कर्ता बोलते हैं, कर्ता या मुखिया भी बोल सकते हैं. तो बेटा वो हेड ऑफ द फैमिली एज वेल एज द हेड ऑफ द बिजनेस आल्सो. एंड अंडर दिस बिजनेस, इट इज अ बिजनेस नो डाउट, प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव इज देयर. एंड नाउ वी आर कमिंग बेटा, देयर आर टू स्कूल्स, टू अप्रोचेस आर देयर. नंबर वन इज मिताक्षरा, नंबर वन इज मिताक्षरा, नंबर टू इज दायाभाग. नंबर टू इज दायाभाग. तो इन दिस वे देर आर टू अप्रोचेस, मिताक्षरा एंड दायाभाग. बेटा देर इज ए स्लाइट डिफरेंस इज देर बिटवीन द टू. First one is there, that is Mitakshara. Under this approach, and this approach is beta applicable on all over India except three states, Assam, Bengal and some parts of Odisha. Yani in three states ko yadi hum chhod dein, except these three states, jo Mitakshara paddhati hai hamari, this school is applicable all over the India. पूरे देश में ये पद्धति बेटा हमारी प्रचलित है. अकॉर्डिंग टू दिस द चाइल्ड गेट्स पार्टिसिपेशन और मेंबरशिप इन द फैमिली बिजनेस विद हिज बर्थ. यानी जन्म से ही बच्चे को इसमें पार्टिसिपेशन मिल जाता है एंड ही गेट्स इक्वल पार्टिसिपेशन, यानी कि इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट, इक्वल शेयर इन एसेट्स वो ग्रहण कर लेता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ their birth, of his birth. And but after the age of 18, 18 साल का होने के बाद, he can demand the division of business of the family. यानी वह यदि वो चाहे तो 18 साल का होने के बाद वो फर्म जो उनका बिजनेस है, जो फैमिली बिजनेस है, उसको डिवीजन की, उसके बंटवारे की मांग वो कर सकता है. But according to this Dayabhag, it is not like this. In this Dayabhag, number one, it is applicable only these three states, Assam, Bengal and some parts of Odisha. And in this, with birth, no child can get the share or membership in this business, family business. Yani birth, by birth, beta, usko ye right nahi milta hai. Usko ye right only milega after the age of 18. And he can never demand the division of firm's business. वो फर्म के, फर्म में मतलब जो उनका बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, उसके बंटवारे की डिमांड नहीं कर पाएगा. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द हेड, जो उनका कर्ता मुखिया है, उसकी डेथ के बाद भी वो फर्म अपना बिजनेस जो है, फैमिली बिजनेस है, उसको डिवाइड कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर फीचर्स, विशेषताएं क्या है इसमें ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस.
बेटा देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे ही फीचर्स हैं। नंबर वन, ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट फीचर इज देयर कि यहाँ पे हिंदू लॉ, बेटा हिंदू लॉ के जो रूल्स हैं दैट विल बी एप्लीकेबल, वो आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कोई एक्ट नहीं है, हिंदू लॉ इज देयर। तो ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, ऑपरेशन मीन जो बिजनेस है बेटा, इट इज रन बाई द फैमिली, फैमिली बिजनेस इज देयर, तो फैमिली को रन करना है वो। एंड इफ देयर इज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, तो हिंदू लॉ के जो कानून है, हिंदू कानून है, वो लागू हो जाएगा। नंबर ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। सेकेंड वन बेटा, मैनेजमेंट बाई करता, इस पूरे बिजनेस को मैनेज किया जा रहा है। एंड टोटली द बिजनेस इज मैनेज्ड बाई करता, जिसे मुखिया भी बोलते हैं, कई जगह मुखिया बोल देते हैं, कहीं पे इसको करता बोला जा सकता है। तो बेटा ही इज द मैनेजर ऑफ द बिजनेस, ऑल द डिसीजंस आर टेकन ओवर बाई दिस करता। नेक्स्ट बेटा थर्ड पॉइंट इज देयर, जिसमें कि ओनली मेल मेंबर्स, इसमें मेल मेंबर जो है, पुरुष सदस्य हैं, उन्हीं को मेंबरशिप मिलती है। एंड ओनली दे पार्टिसिपेट इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट वन पॉइंट इज देयर सीक्रेसी, बेटा सीक्रेसी इज देयर बिकॉज देखिए यहाँ पे जो ओनर है, यू कैन से जो हेड है, करता है, मुखिया है, वो बेटा ओवरऑल इज देयर, ऑल द डिसीजन आर टेकन ओवर बाय दैट करता। अदर मेंबर्स आल्सो, वो भी उसी फैमिली के मेंबर्स हैं, तो बेटा वो दे डोंट वांट कि उनकी जो सीक्रेसी है कभी भी भंग हो, वो अपनी कभी भी सीक्रेसी को भंग नहीं होने देंगे। सो इट इज द एक वन टाइप ऑफ एडवांटेज इज देयर कि यहाँ पे सीक्रेसी, फुल्ली सीक्रेसी इज देयर। अब बेटा नेक्स्ट एक पॉइंट हम ले सकते हैं यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन, देयर इज नो नीड ऑफ एनी रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। ओनली द रूल्स जो हिंदू लॉ है वो एप्लीकेबल यहाँ पे होता है, ठीक है। तो बेटा दीज आर द फीचर्स जो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट आप आ जाइए, देयर आर सम मेरिट्स, मेरिट्स आर देयर। मेरिट्स पे देखिए, नंबर वन इजी टू स्टार्ट, इसको स्टार्ट करना, इसको फॉर्मेशन करना मुश्किल नहीं है। वेरी इजी, नो एनी टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, नो लीगल फॉर्मेलिटी इज देयर। द फैमिली मेंबर्स कैन ज्वाइंटली स्टार्ट दैट बिजनेस, इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट दिस बिजनेस। नेक्स्ट वन बेटा यहाँ पे आपको देख पाएंगे, लिमिटेड लाइबिलिटीज आर देयर, लिमिटेड लाइबिलिटीज हैं यहाँ पे। दैट मीन जो मेंबर्स हैं बेटा, जो ध्यान रखिए, जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ द दिस फैमिली बिजनेस, उनकी लाइबिलिटीज लिमिटेड है। लिमिटेड मीन इन द केस ऑफ लॉस, इन द केस ऑफ हैवी लॉस, दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट लॉस। तो दैट अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो है ना, वो बेटा ओनली फॉर द कर्ता, यानी वो जो हैवी लॉस है दैट विल बी, आई मीन उसको बियर किसे करना है, वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ओनली कर्ता। एंड जो मेंबर्स हैं वो केवल लिमिटेड लाइबिलिटीज उनके लिए है, वो ज़्यादा लॉस में वो जिम्मेदार नहीं होंगे। बेटा नेक्स्ट वन पॉइंट इज देयर कि रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड कंसिडरेशन, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड कंसिडरेशन। इट मीन्स जो करता है वो जानता है, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग, कि ही डज मोर हार्ड वर्क, ज़्यादा काम वो करेगा तो टोटल प्रॉफिट पे उसी का अधिकार होगा, बिकॉज कि लॉसेज के लिए भी वो रेस्पॉन्सिबल है, तो प्रॉफिट्स के लिए भी वो रेस्पॉन्सिबल है, प्रॉफिट्स भी उसको एंजॉय करने हैं। एंड एज ही वांट्स, जैसे भी चाहेगा वो उनका यूज करेगा सम टाइम, और जनरली वो इन द वेलफेयर ऑफ द फैमिली वो उनको यूज करता है, नो डाउट देयर इज। तो बेटा नेक्स्ट आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलता है, एडवांटेज फ्रॉम इनहेरिटेबल क्वालिटी ऑफ द बिजनेस। बेटा ये जो बिजनेस है, इस टाइप का बिजनेस है, वो बड़ी मतलब पूर्वजों के समय से चला आ रहा होता है, ठीक है, इनहेरिटेबल बिजनेस इज देयर। तो बेटा जो गुडविल एट दैट टाइम उन एनसेस्टर्स ने आपके बिजनेस की मतलब एक वो की है, ठीक है ना, मेंटेन किया गुडविल को, द एडवांटेज ऑफ दिस जो गुडविल है वो फैमिली मेंबर्स को मिलना शुरू हो जाता है, जो नेक्स्ट उनकी जनरेशन आती हैं, इट मीन्स इट इज आल्सो ए टाइप ऑफ एडवांटेज। नेक्स्ट इज देयर सम डीमेरिट्स, देखिए डीमेरिट्स बेटा इसके कुछ लॉस भी हो सकते हैं, कुछ हानियां हो सकती हैं, कुछ सीमाएं लिमिटेशन हो सकते हैं। नंबर वन, लिमिटेड रिसोर्सेज आर देयर इस बिजनेस के, बेटा आप समझ पा रहे हैं कि ओनली इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय ए फैमिली, एक फैमिली इन्वेस्टमेंट
करती है यहाँ पे, तो इट इज़ नॉट सो मच, बहुत ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, सो वी कैन से कि लिमिटेड सोर्सेज आर देयर। आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा समटाइम लार्ज स्केल बिजनेस नहीं कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नंबर टू, लिमिटेड जो आपकी मैनेजरियल स्किल्स आर देयर, देखिए बेटा जो आपका करता है मुखिया है जो फुल्ली रेस्पॉन्सिबल है सभी डिसीजन मेकिंग वो कर रहा है, तो वो आपका जो है लिमिटेड मैनेजरियल, वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड ना हो, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है वो, सो वो जनरल मतलब जो अपना लोकल मेथड से ही रन्स दैट बिजनेस। तो लिमिटेड ड्यू टू दिस लिमिटेड मैनेजरियल स्किल वो बिजनेस की बहुत सारे टैक्ट्स नहीं जानता है, बिजनेस की मतलब बहुत सारी जो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट वो नहीं जानता है, तो वो भी यहाँ पे एक लिमिटेशन है, तो वो भी आप यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बेटा नंबर एक आप और इसमें लगा लें कि जो सम टाइम लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स, कई बार जो फैमिली मेंबर्स हैं कोऑपरेट करना बंद कर देते हैं, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, वो उसको मतलब सहयोग नहीं करते हैं, उसको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, सम टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग मे बी देयर, तो एट दैट टाइम आप समझ सकते हैं कि बेटा बिजनेस वो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन आगे बढ़ने की बजाय ये पॉसिबल है कि वो मतलब डाउन आना शुरू हो सकता है और सम टाइम कम्स टू एन एंड, ये भी हो सकता है कि बिजनेस आपका बंद हो सकता है, ठीक है। अब बेटा वन पॉइंट इज देयर कि डिसएडवांटेज फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ पावर, देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आपका कर्ता मुखिया है वो एक फुल्ली रेस्पॉन्सिबल पर्सन इज देयर, फुल्ली ओनर ऑफ देयर इन दैट बिजनेस, तो बेटा सम टाइम वो उन जो उसके पास इकोनॉमिक पावर्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, मनी है, उनका दुरुपयोग भी कर सकता है, सम टाइम में भी पॉसिबल नॉट ऑल टाइम्स, तो यदि ऐसा होना शुरू हो जाए तो बेटा इट मीन्स आपका जो बिजनेस है इट विल नॉट स्टैंड फॉर मोर टाइम, आगे वो नहीं चल पाएगा, तो इट मीन्स कि दिट इज़ नॉट गुड फॉर दैट बिजनेस, इट इज़ नॉट गुड फॉर दैट फैमिली, और वो बिजनेस आपका बेटा डाउन होना शुरू हो जाएगा एंड इट मे क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर द कर्ता एज वेल एज फॉर द मेंबर्स, तो इट इज़ वी फिनिश नाउ।